और भाई फिर क्या हाल चाल है, प्यार कर रहे हो अपने आप से सारे के सारे? नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे यार? भाई आज का टॉपिक है जॉब और बिजनेस। इससे पहले पहले बात करेंगे हम अपने अध्यापकों की। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है जो हमने रिसेंट दिनों में फील करी है। अब जैसे कि स्कूल कॉलेजेस सारी चीजें बंद है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो बहुत लोग यार गालियां दे रहे हैं टीचर्स को, हंसी मजाक बना रहे हैं और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स उन पर रिएक्शन वीडियो, बहुत मीम्स पेज उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ऐसे मत करो यार, किसी को गालियां मत दो। थोड़ी सी गलत बात है यार, किसी के पेरेंट्स हैं, कोई अध्यापक किसी को कुछ सिखा रहा है, उनके लिए भी सारी चीजें नहीं है ऑनलाइन वाली। अब आप उसको किसी गंदी आईडी बनाते हो, गलत आईडी बनाते हो, उसके बाद मजाक कर रहे हो, तो जो है यूट्यूबर उस पर रिएक्शन दे रहे हैं वो चीज सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, वो गलत रहेगी। एटलीस्ट यार सिखा सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, और उस चीज को एक्सेप्ट करो कि वो आपको पढ़ा रहे हैं। और हंसी मजाक अपनी जगह यार, और डिसरिस्पेक्ट अपनी जगह है, तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। टीचर्स इतना फोकस कर रहे हैं, उनको किसी को फोन चलाने नहीं आते, वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सीख रहे हैं, तो यार थोड़ी सी मतलब हंसी मजाक कर लो, बट डिसरिस्पेक्ट मत करो, गालियां वालियां मत दो किसी को। भाई हमारे पेरेंट्स टीचर रहे हैं, कोई रहना चाहते हैं, कोई बच्चे क्या पता कोई टीचर्स हो, तो ये फन आपके लिए है, बट ये फन नहीं है जो आपके लिए आप सोच रहे हो ना कि ये फन है, इस पे आज हंस लिए कल भूल देंगे। जिसके साथ होता है वो कभी नहीं भूल पाता। बिल्कुल 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 यार, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना जॉब वर्सेस बिजनेस। वर्सेस तो नहीं है, पहली बात तो ये कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज का, और जॉब और बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि जॉब्स को लेके लोग बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं और बिजनेस को लेके उतना ही इनसिक्योर, तो उसी के हमारे थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे बस। वही क्या नाम है, पिछली बार किसी ने कहा था ग्लास खाली है, ग्लास में पिछली बार वाइन थी, इस बार लस्सी है। भाई ना जॉब गलत है ना बिजनेस गलत है, आपके अपने माइंड के अंदर जो अपने परसेप्शन बना रखे हैं, आपकी इमेजिनेशन जिस लेवल तक जा रही है वो आपको उसी लेवल तक लेके जा पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर बड़ा सोचोगे तो आगे तक भी जाओगे, भले ही आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो। कितने सारे बंदे हैं कि जो जॉब भी करते हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि अच्छा खासा कमा रहे हैं, छोटे लेवल पे भी बिजनेस करते हैं, वो भी खुश हैं। गलत तो सिर्फ यही है कि जैसे एक रीसेंट एग्जांपल दें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास करते हैं, कोई मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच साल मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे वेस्ट कर देते हैं, और रीजन उसमें गलत कुछ नहीं है, बट उनका रीजन ये है कि भाई जॉब गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब क्या प्राइवेट जॉब, किसी की किसी चीज में सिक्योरिटी नहीं है, वो गलत है। मतलब कि तीन चार साल आपने किसी चीज को लिया, अगर आप क्लियर भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपने वेस्ट नहीं करे, आपकी नॉलेज गेन हुई है, कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, कल को वो चीज आपकी फील्ड में काम आएगी। बिल्कुल यार, हर और आजकल तो यार प्राइवेट कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए घर वाले पूरा टंबर बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब करो करो, और भाई कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनी जो रिसेंटली यार, एक आधा एग्जांपल तो याद है तुझे, जो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। अब जैसे कि हालांकि रिसेंटली हुआ था, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, उसको मतलब प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्वायर कर लिया है, तो हमारे भी दोस्त है जो उसमें थे, उनकी ऑटोमेटिकली जॉब मतलब प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गई है, तो वो कोई गलत चीज नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, पैसे गेन हो रहे हैं, और कल को अगर आपको बिजनेस के लिए, यार देखो गट्स तो चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि आपने तीन चार साल से आप जॉब कर रहे हो एक नया स्टेप लेने के लिए, कि फैमिली क्या सोचेगी यार, सब कुछ सही तो चल रहा है, क्यों गुण पंगे करने हैं तुझे, सॉरी क्यों अपने मतलब कुछ नया करने हैं तुझे यार, क्यों अपने उसमें अच्छा खासा कमा रहा है, 30 आ रहे हैं 40 आ रहे हैं 20 आ रहे हैं 1 आ रहा है, तो वो उस स्टेप को क्रॉस करके, और अभी हमने चैनल स्टार्ट करा है, हमारी तो चलो फैमिली बहुत अच्छी है, फुल सपोर्ट कर रही है, कितने सारे होते हैं शर्म करते हैं यार, मेरा चैनल है सब्सक्राइब करने के लिए, इससे बोलू नहीं बोलू, मेरा चैनल है, मैंने एक अच्छे कोर्स के लिए स्टार्ट करा है, तो मैं चौड़ में बोलूंगा, अगर मैं ही अपने काम को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, आप लोगों से बात नहीं करूंगा उसके बारे में, अगर शाय फील करूंगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। और जैसे कि यार, जैसे तो टॉपिक से थोड़ा भटक गया, जैसे कि यार बिजनेस की पहली बात है कि जैसे सबने पढ़ी होगी द हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, वो वाली जैसे हमने, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारे फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते, हम थोड़ी इनसिक्योरिटीज फील कर जाते हैं, तो हायर प्रॉफिट की बात कोई नहीं करता, हायर रिस्क की सारे बात करते हैं। कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो कि कितना कुछ मतलब अच्छी खासी जॉब्स की छोड़ने के बाद बिजनेस करते हैं और नहीं सक्सेसफुल हो पाते। अब हमने कितनी जॉब्स करी हैं, आज बिजनेस कर रहे हैं, कल को नहीं होगा कुछ तो भी जॉब भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी ना यार करना तो पड़ेगा, मतलब गलत कुछ ट्राई और बिल्कुल यार गलत कुछ नहीं है, जॉब भी सही है यार, जैसे जॉब्स मतलब लोग करते हैं लोग उन जॉब्स के लिए तरसते भी है, और बिजनेस भी मतलब कहने का मतलब ये कि जिस जॉब के लिए मैं आज तैयारी कर रहा हूँ मुझे वो मिल गई है, कोई बंदा दुआ कर रहा होगा कि यार काश मुझे ये जॉब मिल जाए, तो जॉब की रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं कि यार मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा, मैं ये क्यों नहीं कर रहा, आप मेहनत करोगे तो आप जरूर कर। बिल्कुल, मतलब थोड़े सबको पता है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं और थोड़ा मतलब टाइम भी इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक बेस से ही तो स्टार्ट होता है, चांस लेना पड़ेगा। भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स है,
एसके बूट्स है, ये तो सब अपने बिजनेस है अपने यहाँ तो बेस से ही तो स्टार्ट हुए हैं यार। कैसे बिल्कुल यार, चांस देना पड़ेगा, ठीक चल रहे हैं। अब ये थोड़ी ना रोड टू ब्लूटूथ चैनल है, धीरे धीरे बेस से ही तो स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ी ना कि किसी ने आगे बोल दिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब यार ये कि समटाइम्स प्रॉब्लम लीड्स टू अपॉर्चुनिटीज, मतलब प्रॉब्लम्स होती है, बहुत लोग एग्जांपल भी देते हैं यार काश उस दिन वो जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज इतने इस सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक ना होते, इस सक्सेसफुल बिजनेस का पार्ट नहीं होते। तो मतलब अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से कि जैसे जो जॉब कर रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल इसने अपनी सिचुएशन को आज मत जज करो, कल को जो आपकी सिचुएशन आपको लेके जाएगी वहां पे तब आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। कमिटमेंट दो अपने आप को, बिल्कुल मैंने इसमें अपना 100% देना है, भले ही वो जॉब है या बिजनेस है। जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी काफी ऊपर तक जा सकते हो, और आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी काफी ऊपर तक जा सकते हो। डरना नहीं है कि भाई नहीं क्या मैं बिजनेस करूंगा कैसे, मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए 30 लाख रुपए चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि भाई बिजनेस आज 10 रुपए से भी स्टार्ट करा, 20 से भी करा, और बंदा करता है जिसने करना है। और देयर सो मेनी पीपल यार वो जॉब भी करते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट माय अंकल, वो एक एमएनसी में जॉब भी करते हैं और उन्होंने मतलब 6-7-8 महीने पहले एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया, रॉयल फूड्स यार उन्होंने, और आज उसे वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने एक चांस लिया। और यार एक और चीज बोलूंगा, जो बच्चे अपने पेरेंट्स का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं वो गलत नहीं है। आपके पेरेंट्स ने फुल पावर मेहनत करके उसको यहाँ तक लेकर आए, और आप फिर सोचो कि मैं जॉब करूंगा, यानी मतलब यार पब्लिक ये बोलेगी कि यार ये तो अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है, बाप ने फुल मेहनत करी है, आप उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाओ यार। इन फुल सपोर्ट, इन क्लियर वर्ड्स यार, वी सपोर्ट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये तो अलग टॉपिक है, नेपोटिज्म हर फील्ड में नेपोटिज्म है यार, और उसे हम सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल, कल को कोई गलत बिजनेस होगा वो वैसे ही नहीं चलेगा, कल को कुछ गलत भी करोगे तुम बड़े बाप के हो या छोटे बाप के हो, वो वैसे ही नहीं चलनी है। ब्रूट वाला भी तो रेडी लगाता है, वो भी तो अपना बिजनेस ही कर रहा है। बिल्कुल यार, और बाकी ये बट वो चाहता है कि मेरा बेटा जो है जॉब करे, तो गलत नहीं है कुछ भी। बाकी ये कंपैरिजन नहीं था, तो हमारे अपने पॉइंट्स थे, हमने सोचा 5-7 मिनट की वीडियो बना दो, इतने दिन से बनाई नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पे कैमरामैन बोल रहा है कट, और कट हो चुका है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, खुश रहो, रोड टू ब्लू टिक चैनल सब्सक्राइब करो, अपने आप से प्यार करो यार भाई, और फैमिली इज एवरीथिंग। नमन और एमएम वाले भैया का नाम रह गया था, और एक खास दोस्त है, हर वीडियो में नाम लेते रहेंगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच भाई, ध्यान रखो अपना भाई।